गेस कौन करेगा, उसको गिव अवे मिलेगा, ट्रस्ट मी, जो भी आप मांगोगे ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं और मेरी बहन काफ़ी टाइम बाद में गए थे मेले में बिना बच्चों के, एंड ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आया उनके बिना। ओके, तो मैं और मेरी बहन गए थे जूडियो में, ठीक है, जस्ट उसके सामने ये मेला लगा हुआ था। तो फिर हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि मेले में तो जाकर आएंगे, क्योंकि बहुत साल हो गए थे मेले की शक्ल नहीं देखी थी बच्चे होने के बाद में, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ने मेले में एंट्री की, ये सेरेमिक वाले बर्तन पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है मेरी ये सेरेमिक के बर्तन, मुझे बहुत पसंद है, इतने प्यारे प्यारे थे, बट बहुत ज़्यादा महंगे, हैंडमेड चीज़ें तो महंगी होती है। एंड यहाँ पर थे ये ऑयल डिस्पेंसर की बॉटल, जो कि एक बार छूट गई और पैसे बर्बाद, तो लेने का कोई मतलब नहीं है, शोपीस के हिसाब से रख सकते हो, उसको यूज़ नहीं कर सकते। और ये सेरेमिक्स की प्लेट भाई कितनी प्यारी लग रही थी, एंड गाइस एक प्लेट की आई थिंक 1100 बता रहा था वो, तो इतनी महंगी प्लेट होती है क्या सेरेमिक्स की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर ऐसे ही वो लूट रहा था। एंड ये थैले जैसा, मतलब चम्मच वगैरह रखने के लिए, एंड ये छोटे छोटे से क्यूट से जार, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, मैं ले लेती, बट मैं जाने वाली हूँ राजस्थान और वहाँ पर ले जाते हुए सारे चकना चूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, इन फ्यूचर हम ऑनलाइन मंगा लेंगे, ठीक है। एंड फिर हम लोग ने ले ली टिकट अंदर जाने की, हम दो बहनें थी तो हमारी एंट्री हो गई। जी यहाँ पर एक सेलिब्रिटी के साथ में फोटोज खिंचवाई जा रही थी, लुक एट दिस सेलिब्रिटी, सो क्यूट राइट। एंड गाइस हमारी चांस नहीं आ रही थी, तो हम लोग ने सोचा चलो इनको सेल्फी लेने देते और हम अंदर एंट्री कर दें, और एंट्री करते ही अंदर आप देख सकते हो अंदर का माहौल कैसा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही क्योंकि मेला अभी लगा था, इसीलिए इतनी भीड़ नहीं हो रही है। एंड यहाँ पर ये बच्चों का स्टॉल था, जो कि अच्छा हुआ मैं आमना को नहीं लेके आई, वरना यहाँ पर मेरा खर्चा पक्का था। एंड फिर यहाँ पर जो हमेशा मेले में ये खट्टी मीठी चूरन की जो हाई मज़ा आती है, ऐसे टेस्ट करा करा के उन लोग पेट भरा देते, ये चखाना ये चखाना, बट ये स्टॉल वाले भैया अच्छे थे, जो जो मांग रहे थे ना सारे दे रहे थे, बट इसमें से मैंने 3-4 लिए हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं खाया है, उनकी कमाई भी करवाई है हम लोग ने। एंड यहाँ पर ये सौंफ जो माउथ फ्रेशनर होती है, ये तो हमेशा मेरे कबर्ट में पड़ी होती है, मुझे बहुत पसंद है, खाना खाने के बाद में बहुत अच्छे। बाद में हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे ही और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आती गई, जो कि है आम का अचार, जो कि पंजाबी अचार और बिहारी अचार, एंड गाइस इतना अच्छा टेस्ट था। और फिर यहाँ पर ये फ्राई करने वाली चीज़ें, एंड जो मेले में हमेशा एंटिक चीज़ें देखने मिलती, ये जो मेरे हाथ में है ये है बर्तन रगड़ने वाला, जो कि बहुत यूनिक है ना, दिखने में काफ़ी अजीब सा लग रहा है। एंड यहाँ पर हमारी ये जो राइड्स है शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बड़ा मेला नहीं था, मुश्किल से 4-5 राइड्स हो गए आई थिंक, है ना, आप खुद देख सकते हो, बस इतना सा ही मेला था, बट अब भीड़ होना शुरू हो चुकी है। एंड गाइस मैंने इस चकडोल की टिकट ले ली है, बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, ट्रस्ट में मेरी बहन ने मेरी वीडियो बनाई है, बट मैंने उसको कहा है अगर किसी को तूने वायरल कर दी तो तू गई मेरे हाथ से, एंड उसको भी डर लग रहा था, बट वो थोड़ा रुका ना, तो उसने वीडियो करना शुरू किया, मैंने उसको बोल दिया था प्लीज़ तू ऊपर से वीडियो करके मैं तेरे फ़ोन में से ले लूँगी, एंड कुछ इस तरह का ऊपर से व्यूज़ दिख रहा था। गाइस बहुत ही ख़तरनाक था, आप देख, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, सेम सिचुएशन थी मेरी उस जैसी, बट ठीक है वो धीरे धीरे यूज़ टू हो जाएगा अगर मैं 2-3 बार बैठूंगी तो, बट मैं काफ़ी टाइम बाद में बैठी थी ना, और हाइट से अब मुझे डर लगने लगा है, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल भी हाइट से डर नहीं लगता था। वेल यहाँ से मैं थोड़ा शूट करने की कोशिश कर रही थी, एंड यहाँ पर ये इसके बाद में किसी भी राइड में बैठने की हिम्मत नहीं थी मेरी, बस ये इसी राइड में बैठने का मुझे एक था कि इसमें ही बैठूंगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते गए और आगे और भी एक्टिविटीज़ दिखने लगी, तो हम लोग ने सोचा चलो कुछ तो
एंड फिर हमें रिंग वाला दिखा जिसमें पैसे लगे होते हैं 20 रुपीज़, 100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़। तो यहाँ पर गाइस हमारी जो अब देखते रहिए, ठीक है। तो इसमें मुझे बताना कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं, कमेंट ज़रूर करना इस पर, ठीक है। तो मैंने 2 रिंग में डाल दी थी एंड आप देख सकते हो वो कौन से कलर का नोट है, गैस करना, ठीक है। एंड सेकेंड वन नहीं गई, मिस हो चुकी थी मेरी। एंड ये 50 रुपीज़ की मतलब थी गेम, ठीक है। एंड मैंने कितना कमाया उसका मैं वेट करूँगी कि कमेंट में आप कितना बताते हो, ठीक है। सही गैस कौन करेगा उसको गिव अवे मिलेगा, ट्रस्ट मी। जो भी आप मांगोगे ना, जो भी नहीं मतलब मैं अपने हिसाब से दे दूँगी, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ गई थी। फिर उसके बाद में मैंने अपनी बहन को बोला कि ले तू ट्राई करके दे, एंड उसने तो मेरी 50 रुपये ऐसे ही वेस्ट कर दिए। थोड़ा थोड़ा हो गया था बट आप देख सकते हो, आप गेस करना, ठीक है। एंड आगे बढ़ते गए, फिर और इंटरेस्ट आने लगा कि हम लोग ने 50 रुपये से इतने पैसे कमा लिए। अब इस गेम में टॉयज़ थे, ठीक है, इसमें अगर हम ये ग्लास गिरा देंगे ना तो हमें टॉयज़ मिलते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको भी हम ट्राई करते। एंड यहाँ पर मैं फेल हो चुकी थी बुरी तरह से, क्योंकि ये बिल्कुल भी निशाने पे नहीं लगा था, वो एक ही ग्लास गिरा था। और वहाँ पर मैंने चेक भी किए थे, कुछ भी नहीं है नीचे, जो ग्लास टिके हुए ना वही है। फिर उसके बाद में हम सोचे चलो अब मेले से हम निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। और निकलते निकलते खाने की चीज़ों पे हमारी नज़र गई, जो कि ये पत्ता गोभी वाले मंचूरियन थे, और उसके बाद में नूडल्स वगैरह, पाव भाजी, जो भी हमारे मेले की शान होती है, पापड़ मसाले वाले। एंड जो कुछ देसी स्नैक्स हम लोग ट्राई कर रहे थे, जो कि भैया ने हमें कन्विंस किया प्लीज़ ट्राई करिए, अच्छे लगे तो ले लेना वरना कोई बात नहीं। तो हम लोग ने 2 पैकेट ले लिए थे, ऐसे फ्री में नहीं खाए थे। फिर आगे बढ़े और यहाँ पर ये 30 रुपीज़ के प्लास्टिक के जो भी सामान चाहिए ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट चल रहे थे। फिर आगे बढ़े, फिर चश्मे की दुकान आई, फिर आमने के लिए और बच्चों के लिए चश्मे लिए। और ये जो ट्रेंडी ज्वेलरी है, कलेक्शन बहुत ही प्यारा था, पिंटरेस्ट वाली ज्वेलरी यहाँ पर अवेलेबल थी, जो कि लिए हैं हम लोग ने, ठीक है। और ये वाली जो कड़े हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहे थे, बट अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि एक ले लो ना उसके बाद में हाथ में कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड ये इतने महंगे दे रहे थे ना, क्योंकि 1 रुपया भी कम नहीं करना चाह रहे थे भैया, बट कोई बात नहीं, ज्वेलरी भी तो काफ़ी अच्छी थी और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। एंड यहाँ पर ये नेकलेस वगैरह जो टीनेजर पहनते हैं, बहुत ही प्यारे कलेक्शन थे ज्वेलरी के, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एंड गाइस मेरा जो ब्लॉग्स है मेले वाला, अगर आपको ज़रा भी अच्छा लग रहा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ठीक है। फिर आगे बढ़े, देखे फ़ोन के कवर, जो कि बहुत ही अच्छे और कूल तो नहीं बोलूँगी, ठीक ठाक लग रहे थे, क्योंकि अब मुझे वो जो मोटे मोटे डायमंड वाले ये अच्छे ही नहीं लगते, पता नहीं क्यों। तो फिर जिसकी पसंद होगी उनको अच्छे लगते। एंड ये हमारे यूनिवर्स, हमारे और उस यूनिवर्स में सिर्फ 19-20 का ही फ़र्क है। फिर यहाँ पर जाते हुए हमें दिखे ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। और फिर आगे बढ़ते हुए हम गए पान की स्टॉल की तरफ, जो कि हमारा फेवरेट है पान खाना। एंड यहाँ पर हमने पान खाया, पान खाते हुए हमने बाहर निकल गए और यहाँ पर हमारा मेला वाला ख़त्म होता है।